तो दोस्तों, मैं न्यू ब्लॉगर्स जो नया नया चैनल खोले हैं और ब्लॉग बनाते हैं, मैं आप लोगों से इतना ही कहना चाहूँगा कि यार आप बिंदास ब्लॉग बनाते रहिए, एकदम कोई टेंशन नहीं है, बिंदास बनाइए। आपने ब्लॉग चैनल स्टार्ट किया यानी कि आपको ब्लॉग करना है, तो आपके पास उस वक्त 0 सब्सक्राइबर थे। जी हाँ, बिल्कुल 0। लेकिन आप क्या किए, धीरे धीरे ब्लॉग बनाते गए, वीडियोस बनाते गए, तो आपके चैनल पर सब्सक्राइबर आने लगे। तो यही है यूट्यूब का रूल। आप ब्लॉग्स बनाइए, अपने लिए बनाइए। मैं भी ब्लॉग्स बनाता हूँ, पहले मैं अपने लिए बनाता हूँ कि यार मुझे ब्लॉगिंग करना है, मैं ब्लॉग्स बनाऊँगा, पहले खुद के लिए बनाऊँगा। और मैं जब वीडियोस बनाता हूँ तो पहले मैं अंदर से ये मुझे खुशी होती है कि तो यार मैं भी अजीब करता हूँ ना, मैं निकल गए आप लोगों को मोटिवेट करने। जो भी न्यू क्रिएटर हैं, जो भी नया ब्लॉग चैनल ओपन किए, मैं आप लोगों को मोटिवेट करने निकल गया। यार पहले मुझे खुद मोटिवेशन की ज़रूरत है यार, मैं कहाँ आप लोगों को मोटिवेट करने निकल गया। दोस्तों ये एक फीलिंग्स है एक न्यू क्रिएटर की, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि आप लोगों के मन में भी ये सवाल चल रहा होता है कि यार ब्लॉग किसके लिए बना रहे हैं। तो भाई ब्लॉग आप दूसरों के लिए नहीं, पहले खुद के लिए बनाइए कि हाँ मुझे ये चीज़ें करने में इंटरेस्ट है, मैं अपने लाइफ को इस तरह से लोगों के सामने पेश कर सकता हूँ, शेयर कर सकता हूँ अपनी फीलिंग्स को। उस हिसाब से आप ब्लॉग्स बनाते चलिए, बिंदास बनाइए, कोई टेंशन नहीं है। आप चैनल सब्सक्राइब, आपके चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे और मेरे भी लगभग 50 सब्सक्राइबर होने वाले हैं। ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि ऐसे देखिए कि होता ये है ना कि कोई भी न्यू क्रिएटर जो है यूट्यूब पर आता है तो वो अचानक आपके 100 सब्सक्राइबर नहीं होंगे, ना ही अचानक आपके 500 सब्सक्राइबर हो जाएंगे। यार वक्त लगता है भाई, यूट्यूब पे काम करना कोई बच्चों का खेल नहीं है, बहुत ही यहाँ धैर्य की ज़रूरत होती है। आपके अंदर में धैर्य होना चाहिए तभी आप यूट्यूब पे काम कर सकते हो। तो आप लोगों को और मैं क्या मोटिवेट कर सकता हूँ, मुझे खुद मोटिवेशन की ज़रूरत है। तो चलिए फिर यही है, बिंदास अपने लाइफ को एंजॉय कीजिए, कोई टेंशन नहीं है। तो चलिए फिर हम भी अपने ब्लॉग्स को इसी तरह कंटिन्यू बनाते रहेंगे। अगर सब्सक्राइबर आने वाले हैं तो वो ज़रूर आएंगे, और यार मेरे शक्ल देखकर अगर सब्सक्राइबर नहीं भी आएंगे ना तो मेरे कंटेंट को देखकर शायद आ जाएंगे कि यार ये बंदा जो है कुछ अच्छा कंटेंट लेकर यूट्यूब पे आ रहा है, जो कुछ अच्छी चीज़ें, यानी कि बोल सकते हो कि यार जो भी है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए प्यारा सा जय हिंद जय भारत।